13 अप्रैल को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का 18वां मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच पंजाब किंग्स के गढ़ मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इस मुकाबले से पहले शिखर धवन की टीम के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल पंजाब के बेहतरीन खिलाड़ी लियाम लिविस्टोन ने टीम में वापसी कर ली है, साथ ही उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, जिसका मतलब ये है कि वो गुजरात के खिलाफ मुकाबले में खेल सकते हैं। पंजाब किंग्स ने अभी तक इस सीजन में 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 2 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। शिखर धवन की टीम को अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस मुकाबले में कप्तान धवन की शानदार 99 रनों की पारी देखने को भी मिली थी। वहीं पंजाब फ्रेंचाइजी ने अपने ट्विटर हैंडल में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लियाम लिविस्टोन प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लियाम चोट के कारण पिछले 4 महीने से क्रिकेट के हर फॉर्मेट से बाहर चल रहे हैं। वहीं पिछले साल के आखिरी मैच में वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए दिखाई दिए थे। लियाम की वापसी से पंजाब किंग्स का मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा ही मजबूत हो जाएगा। दाएं हाथ के बल्लेबाज की खासियत यह है कि वो अकेले दम पर टीम को मैच जिता सकते हैं। फिलहाल अब सवाल यह उठता है कि अगर दाएं हाथ का ये खिलाड़ी गुरुवार को गुजरात के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलता है तो कप्तान शिखर धवन किसे बाहर बिठाएंगे। लियाम की वापसी से धवन की चिंता बढ़ सकती है। हालांकि नंबर 5 पर सिकंदर रजा गेंद और बल्ले दोनों से ही कुछ कमाल नहीं दिखा पाए हैं, जिसके बाद उनकी जगह लियाम को दी जा सकती है। आपको बता दें कि लियाम लिविस्टोन को पंजाब किंग्स ने पिछले साल आईपीएल के मेघा नीलामी में 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल में 14 मुकाबले खेलने वाले इस बल्लेबाज ने 437 रन बनाए हैं, जबकि इस दौरान उन्होंने 34 छक्के भी लगाए थे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बल्लेबाज के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।